हेलो बच्चों, आज का सब्जेक्ट है ईवीएस और टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। बच्चों, हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं, प्रकृति जानवर हैं और बाकी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमारे जीवन के लिए एक वरदान हैं। ठीक है, और धीरे धीरे चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, फॉरेस्ट है, जानवर हैं, पशु पशु पक्षी हैं, इनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही हैं या ख़त्म होती जा रही हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, बचाना। वाइल्ड लाइफ में सब कुछ आता है, चाहे वो जंगल में पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी चिड़िया हैं, वो सब हमारे वन्य जीव में आते हैं। तो बच्चों, हमें पता है जो जानवर हैं या जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जीवन के लिए वरदान हैं। जो ये जंगल में जानवर रहते हैं, इन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जंगल में रहते हैं, जिन्हें हम पालतू घर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और जो पालतू जानवर होते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसमें डॉग, कैट, शीप, गोट, ये सब पालतू जानवर हैं। बाकी जो जंगल में रहते हैं, जैसे कि जिराफ हो गया, मंकी हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, टाइगर हो गया, जेब्रा हो गया और लॉयन हो गया, स्क्विरल्स हो गए, ये सब हमारे जो हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो जंगल में जब ये रहते हैं, फॉरेस्ट में ये रहते हैं, इनका वहाँ एक अपना ही रहन सहन है। इनका खाना, शेल्टर, फूड सब वहीं से आता है, वहीं से इन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जितने ही जानवर हैं, उनसे हम जो मनुष्य हैं वो इन जानवरों पर बहुत निर्भर करते हैं, चाहे वो दूध के लिए हैं, एग्स के लिए है, गोट है, काऊ है, बफेलो है, इनसे हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बैल देखें, कैमल देखें, हॉर्सेस देखें, तो इन्हें हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, खेती में ये काम आते हैं, हल जोतने के और भी काम आते हैं। घोड़े हैं, इन्हें हम अपने वाहन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई जानवरों की जो स्किन्स हैं, जो चमड़ी है उससे, या बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं उससे कई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि पर्स है और बाकी भी कॉस्मेटिक के सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों, हमें पता है बहुत साल पहले ये जंगल बहुत घने हुआ करते थे, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रहा करते थे। ठीक है, बहुत सारे पेड़ थे, जंगल बहुत घने थे, लेकिन धीरे धीरे जो है जीव जंतुओं की प्रजाति भी कम होती गई और पेड़ पौधे भी कम होते गए हैं। तो उसका हम कारण देखेंगे, उसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई हैं। ठीक है, रहने की, खाने की, पीने की, और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, मनुष्य ने खेती की जमीन अपनी बनानी शुरू की, जिससे जंगल कम हुए, पेड़ काटने शुरू किए जिससे उसने अपना घर बनाया। ठीक है, इन पेड़ काटने की वजह से क्या हुआ, जितने भी ये वाइल्ड लाइफ थी, जंगल के जीव जंतु थे, चाहे वो चिड़िया हैं, चाहे वो बंदर है, चाहे वो एलिफेंट है, शेर है, इनके रहने के घर उजड़ गए। जो प्राकृतिक जगह पे ये रहते हैं वो इनको इनके लिए धीरे धीरे ख़त्म होते गए, इनका प्राकृतिक खाना धीरे धीरे कम होता गया और ये शहरों की तरफ आ गए। हमने देखा होगा बच्चों, आए दिन जो है ट्रेन की पटरी पे हाथी आ जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो वो उनके जो प्राकृतिक जगह है उसके ख़त्म होने के कारण ही ये जीव जंतुओं की प्रजाति धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही है। देखो बच्चों, खेती की ज़मीन के लिए वन काट दिए गए, ठीक है, घर बनाए, घर के बाद फैक्ट्रियां बनी, बड़े बड़े व्यापारिक जगह बनी हैं, बड़े बड़े ये मल्टीप्लेक्स बने हैं, जिसकी वजह से सारे जंगल धीरे धीरे जो है हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट ख़त्म होने की वजह से बारिश कम होने लगी, जब बारिश कम होने लगी तो नदियां सूख गई। ठीक है, इसकी वजह से हमारा पूरा पर्यावरण जो है वो कहीं ना कहीं उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का भी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि
कैसे ये जीव जंतु जो हैं इनकी प्रजातियां धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होने लगी हैं, और कुछ जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। देखो बच्चों, एक्सटिंक्ट स्पीशीज जिसे हम विलुप्त प्रजाति भी कहते हैं, कुछ जानवर जो हैं बहुत सालों पहले हुआ करते थे लेकिन आज वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे डायनासोर, ममोथ, रेड पांडा, डोडो बर्ड, रेड पैरेट, ये कभी हुआ करते थे लेकिन आज ये नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें एक्सटिंक्ट स्पीशीज या विलुप्त प्रजाति भी कहते हैं। दूसरे हैं इनडेंजर्ड स्पीशीज, ये लुप्त प्राय जानवर हैं जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, और वो दिन भी दूर नहीं है जब इन ये भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज ही हो जाएंगे, ये भी एक्सटिंक्ट होने की या विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, हिरन हो गया, ठीक है, स्पैरो है, गोरैया है, वल्चर है, गिद्ध है, चील है, ये सब जो है, टर्टल है, हिरन है, ये सब जो है विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। इसका कारण ये है कि मनुष्य की जो लालसा है वो बढ़ती जा रही है, इनका इल्लीगल शिकार किया जाता है, गैर कानूनी शिकार किया जाता है, इनके दांत के लिए या इनकी स्किन के लिए, इनकी स्किन जो है, इनकी चमड़ी जो है वो लाखों रुपए में उसका व्यापार किया जाता है। इसके लिए हमारी सरकार ने कई लॉज भी बनाए हैं, कई जो है कानून बनाए हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब देखिए, ये है हमारा राष्ट्रीय जानवर, नेशनल एनिमल टाइगर, इसे हम रॉयल टाइगर है ये, और ये भी हमारी इनडेंजर्ड स्पीशीज में है, इसकी भी प्रजाति, पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है। और इसको बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी है कि कैसे इनकी स्पीशीज को, प्रजाति को बचाया जाए। एक रेड डाटा बुक है बच्चों, जो एक बुक है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके सारे नाम और रिकॉर्ड्स इस बुक में हैं। तो देखा बच्चों हमने कि कैसे जो हमारे लिए वरदान हैं, जीव जंतु जो हमारे लिए वरदान हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, सिर्फ हमारी लालसा और हमारे जो हमारे नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए किस तरह से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन हमें इन्हें बचाना है, सेव करना है, इनका संरक्षण करना है। अगर ये जीव जंतु रहेंगे तभी हम भी इस धरती पर सरवाइव कर पाएंगे। तो बच्चों, मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान।